खबर उत्तराखंड से है, जहां कारगिल विजय दिवस के आज 26 जुलाई को 21 साल पूरे हो गए हैं। 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम की उस अमर कहानी को लिखा, जिस पर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। कारगिल शहीद बिंदु खत्ता निवासी गोविंद सिंह पपोला ने अपने पराक्रम में देश का गौरव बढ़ाया है। बिंदु खत्ता निवासी नंदा बल्लभ देवराड़ी ने भी 9 जुलाई 2002 में देश की सुरक्षा करते हुए शहादत दी है, जिसको कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। बिंदु खत्ता को सैनिकों का गढ़ कहा जाता है, जहां से दर्जनों वीर सैनिकों ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज भी कई शहीद जवानों के परिजन मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। शहीदों को मिलने वाली सुविधाएं कोसों दूर नजर आ रही हैं। कितने सरकारें आईं और कई गईं, लेकिन शहीदों के परिजनों को सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। पूर्व की प्रदेश सरकार में 9th पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए 2 सितंबर 2015 की देर रात शहीद हुए मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बनने वाला मिनी स्टेडियम भी वर्षों बीत जाने के बाद भी अधर में लटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। 1994 में आर्मी में भर्ती हुई थी और ये ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 9 जुलाई 2002 को शहीद हो गए थे ऑपरेशन पराक्रम के दौरान। नीचे इनको अंदर आने देना ही नहीं चाहिए, इनको ईंट का जो पत्थर से देना चाहिए, जो कि ये बार बार जो है अंदर आने की हिम्मत न करें और हमारे जवानों को शहीद न करें। जैसे पहले पाकिस्तान परेशान करता था, अब ऊपर से चाइना भी परेशान करने लग गया, तो इनको जो है हमारी सेना को जो है मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। भाई का नाम, मेरे से बड़े भाई थे वो, मेरा भाई का नाम नंदा बल्लभ देवराड़ी था, जो 14 गढ़ लखनऊ में वो लेशनैक के पद पे तैनात थे। मिल लिए उनको घर में, दो एक लड़का और एक लड़की है। लड़का भी पढ़ाई कर रहा है, 20 साल के आसपास है। देखो, कड़ा कदम उठाना चाहिए उनको, किसी भी देश को है या आतंकवादियों को है जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।